मतलब ये रेल रोड कार्ट है, इट इज मूविंग ऑन अ ट्रैक विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, बॉल इज बीइंग प्रोजेक्टेड 20 मीटर पर सेकेंड। मान लो गाड़ी के अंदर हम बैठे हैं, या गाड़ी को ऐसे गाड़ी के अंदर से ब्लॉक बॉल को फेंका है, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, कम्प्लीटली क्वेश्चन नॉलेज पढ़ना, कभी कोई चालाकी से हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल लिख दिया हो, अगर कम्प्लीट इन क्वेश्चन पढ़ोगे तो गलती आएगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल विद बॉल आफ्टर अटेनिंग द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट मीन्स गाड़ी भी आगे जा रहा है और बॉल भी आगे जा रहा है, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी है इधर 24/37 है, और इधर है 27/37। तो मेरे को बताइए ये मेरे हाथ में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, ओके, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, मेरे हाथ में बॉल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? देखो मेरा कहने का मतलब है, लेट ये ट्रेन है आपका, एक बॉल को आपने ऊपर फेंका, तभी जब ऊपर फेंका इसका ट्रेन का जो वेलोसिटी है इसका भी एग्जैक्टली वही वेलोसिटी होगा अभी, तो ये आगे जा रहा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा हाथ से छूट गया तो खाली सीधा जा रहा है, तुम्हारा वेलोसिटी उसके साथ है, बट एक्सीलरेशन नहीं रहेगा, ध्यान रखना। अगर एक गाड़ी में बैठे हो, एक गाड़ी का वेलोसिटी भी है, तुम बैठे हो तो तुम्हारा ही वेलोसिटी भी है, यहाँ से कोई चीज़ को ड्रॉप भी अगर करोगे ना उसका ही वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल क्या है, वी है, बट इसका एक्सीलरेशन अगर ए है, तुम बॉडी को छोड़ दिया, अभी इसका एक्सीलरेशन ए नहीं बनेगा मगर वेलोसिटी वही रहा होगा, ठीक है, पहला बात। नेक्स्ट, तो अभी बॉल के बारे में देखते हैं। तो बॉल का जो एक्स एक्सिस का वेलोसिटी है दैट इज 20 cos 37, एंड फिर किसका है, बॉस का भी तो है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, दैट मीन्स वो वेलोसिटी उसका होगा, तो ये कितना हो गया cos 37 आपका। तो ये ट्रायंगल को लूज याद रखना, ये अगर 37 डिग्री है, ये 4x, ये 3x, ये आपका 5x होगा। तो cos 37 24/5, तो कितना हो गया 26 मीटर पर सेकेंड। अभी टाइम लिखेंगे, टाइम के लिए खाली वाई एक्सिस का वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, टाइम के लिए खाली वाई एक्सिस का वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, 2 ui/ay, तो 2 u sin θ/g, तो 2 sin 37 3/5 10 12.12/5, कितना सेकंड लगेगा? टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा अभी देख लो, एक्स एक्सिस का वेलोसिटी एंड टोटल टाइम, तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस 26 × 12/5, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 2.4, तो 26 × 2.4 62.4, ठीक है, दिस इज द आंसर।